हरे ओम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लाइफस्टाइल वेलनेस गुरु में। और हम आज संगमेश्वर महादेव जी के दर्शन का लाभ लेने आए हैं। ये मंदिर बरोड़ा के पास एक छोटे से गांव अडलापुर में स्थापित किया गया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये नया वीडियो जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद। इस मंदिर की स्थापना सयाजीराव गायकवाड़ के समय के दौरान हुआ था। वैसे तो इस मंदिर के बारे में काफी कम लोग जानते हैं, तो चलो आपको इस महादेव के मंदिर से जुड़ी बातें बताता हूँ। इस शिवलिंग के आगे तीन बार सिर झुकाने से हर कोई मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गांव के लोगों के बताए अनुसार इस शिवलिंग को दूसरी जगह स्थापित करने के बहुत प्रयत्न किए गए थे। जब जब भी इस शिवलिंग को तालाब की दूसरी ओर ले जाने का प्रयास किया गया, तब तब ये शिवलिंग तालाब के पास पहुंचते ही बड़ा सा रुद्र स्वरूप ले लेता था। वैसे तो ये मंदिर तालाब की दूसरी ओर है और यहाँ पर महाशिवरात्रि और श्रावण मास में बहुत बड़ा सा उत्सव मनाया जाता है। इसी उत्सव को मनाने के लिए भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ओम तत्पुरुषाय विमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। अभी तो आप यहाँ पर एक ही मंदिर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले पांच मंदिर हुआ करते थे जो कि वो सारे भूगर्भ में समा गए। यहाँ पर शिवरात्रि और श्रावण मास में भक्तों के लिए भारी मात्रा में प्रसाद बनाया जाता है। और तो और कई सारे भक्तों ने यहाँ पर गौ माता का दान भी किया है। वो कहते नहीं है, महादेव की इच्छा के सिवा आप उनके दर्शन भी नहीं कर सकते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसे ही वीडियो आप सभी को देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।